तो आज की स्पेशल रेसिपी है कचौड़ी की रेसिपी, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि ये बनी है गेहूं के आटे से और उड़द दाल से। अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि कचौड़ी खानी है पर मैदे की होती है, थोड़ी सी अनहेल्दी है, तो कैसे खाएं, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते इसे स्टार्ट करने, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने जीरा और काली मिर्च को भूनकर ददरक कूट लिया है, धनिया पत्ती ले ली है, अदरक घस कर ले लिया है और कुछ मिर्चियाँ। यहाँ पर मैंने उड़द दाल को भिगो कर रखा था 6 से 7 घंटे के लिए, अब मैंने इसे छान कर ले लिया है पीसने को। यहाँ पर मोयन के लिए थोड़ा सा घी और आटा। तो सबसे पहले हम आटा सान लेंगे, जिसके लिए हम कटोरे में आटा डाल लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक और साथ में 1 चम्मच भरकर यहाँ पर घी इसमें ऐड कर लेंगे। घी अच्छी मात्रा में डालने से अच्छा खस्ता बनता है कचौड़ी, तो उसके हिसाब से ही हम घी ऐड कर लेंगे। तो घी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हाथों से मसल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ही आटा लिया है मैंने, इसीलिए एक हाथ से ही मैं इसे मसल रही हूँ। आप दोनों हाथ की मदद से अच्छे से मसल लें। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट आटा गूंथ लेंगे, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है हमें। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आटे में मोयन डालकर सान रहे हैं, तो सबसे पहले मोयन को अच्छी तरीके से मिला लें, उसके बाद ही पानी ऐड करें, ताकि जो मोयन है, जो आपने घी ऐड किया है, वो एक ही जगह पर ना रहे। तो हमारा ये आटा भी लगभग गूंथ कर हो चुका है कंप्लीट। हमने इसे टाइट ही गूंथा है, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भरनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइट आटा ही चाहिए। तो अब भिगोए हुए उड़द दाल को भी हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। ये तकरीबन 1 कटोरी ही उड़द दाल होगा और आटा हमने एक बड़े गिलास से लिया था, तो इसे भी मैं पीस लूँगी दरदरा इस तरीके से। तो अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिला लेंगे। तो मैं इसमें डाल दूंगी सबसे पहले हमारा जो जीरा और काली मिर्च का हमने भूनकर पीसकर पेस्ट बनाया था उसे। इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी, जैसे कि धनिया पत्ती, मिर्ची और साथ में जो अदरक हमने घस कर रखा था, और इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लूँगी। आप चाहें तो अपने हाथों की मदद से भी इसे मिला सकते हैं, क्योंकि उड़द दाल जो है थोड़ा सा चिपचिपा होता है, उसे चम्मच से मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे हाथों से मिलाएंगे। और उसके पहले इसमें ऐड कर लेंगे नमक स्वाद के अनुसार और हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये हमारा कचौड़ी का स्टफिंग बनकर हो चुका है तैयार, जिसमें हमने कोई भी मसाले एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किए हैं। तो अब हम बस आटे की लोई बना लेंगे। लोई बनाकर उसमें बीच में कटोरा का शेप दे दें, उसी में हम भर लेंगे अपनी स्टफिंग। स्टफिंग थोड़ा थोड़ा ही भरना है आपको, आधा चम्मच ज़्यादा नहीं भरना है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच स्टफिंग भर लेंगे और परथन की मदद से उसे अंदर प्रेस करते हुए लोई बना लेंगे गोल। ये देखिए, परथन लगा लगा कर मैं अंदर प्रेस करते जा रही हूँ और साथ ही मैं उसका मुंह भी बंद करते जा रही हूँ। तो ये ऊपर का जो है पूरा कवर हो चुका है, इसे बस हम दबा लेंगे, अपना कचौड़ी का शेप दे देंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने बाकी कचौड़ियाँ भी बना ली है, अब हम इसे तल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने रख दिया था और इसमें मैं अपनी कचौड़ियाँ डाल दूँगी। इसे लगातार आप चला चला कर पकाते रहें, क्योंकि कचौड़ियाँ चारों तरफ से अच्छे से सिकी हुई होनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि ये आटे की भी है, तो अंदर से कच्ची ना रह जाए। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलें। वैसे तो कचौड़ी मैदे की होती है, बट अगर आपको हेल्दी कचौड़ी खानी है तो आप एक बार इस कचौड़ी को ट्राई कीजिए। यकीन मानिए कि ये बिल्कुल वैसा ही स्वाद देगी मार्केट जैसा, बहुत ही टेस्टी सा, क्योंकि ये आटे की है तो ऑफ़ कोर्स हेल्दी तो होगी ही, और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है।
स्पेशली हमने इसमें जो मोयन डालकर आटा साना है तो उससे बाहर तो ये खस्ता लगता है, थोड़ा सा क्रिस्पी कचौड़ी की तरह, और अंदर से हल्के हल्के सॉफ्ट होते हैं। तो बस हमारी ये टेस्टी सी और हेल्दी सी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे चटनी सॉस के साथ या फिर डायरेक्ट भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है।